सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के ककरघट्टी गांव में कुख्यात आतंकी बंदरों ने 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है। घायल का प्राथमिक उपचार जीरादेई पीएससी सदर अस्पताल सिवान के साथ साथ निजी अस्पतालों में हुआ। गनीमत यह रही कि सभी सुरक्षित हैं। वही स्थानीय मुखिया मनोज कुमार ने बंदरों के आतंक को देखते हुए प्राइवेट रेस्क्यू टीम को बुलाकर बंदर को पकड़वाया, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। मुखिया मनोज कुमार ने बताया कि 10 से 15 दिनों से बंदर या आतंक मचाए हुए थे। इसे द्रव्यान एक खूंखार बंदर के द्वारा 10 लोगों को काटकर घायल कर दिया गया था। बंदर के डर से लोग सड़कों से आवागमन करना तक बंद कर दिए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करने के बावजूद उन लोगों ने टीम को नहीं भेजा। इसके बाद प्राइवेट रेस्क्यू टीम को बुलाकर बंदर को पकड़वाया गया। टीम को अपने पॉकेट से ही पैसे का भुगतान करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इन सभी घटनाओं पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी भी दिन बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिसका जिम्मेदार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा। दर्शक सबके बनाओ, सबके बनी इतना पब्लिक सारे आए हैं, मुखिया जी के थ्रू से बंदर धराया है, जो पूरा जिला को हर कम मचा चुका था। काका हवा है ना, है। 15 दिन से यहाँ उत्पात मचाया था बंदर सबुजा ककरघट्टी गांव में। यहाँ हम लोग मिस कर रहे थे, वो प्राइवेट टीम बंदर पकड़ने वाला बुलाए हैं और बंदर को पकड़ के लेके जा रहा है। लोग कितने लोग वन विभाग को भी बोले थे हम लोग, सूचना दिए थे, लेकिन वहाँ से कोई मैंने कोई आदमी आए नहीं। कितने दिनों से बंदर लूटपाट मचाया हुआ था? 10-15 दिन से। कितने लोगों का अभी तक काटा है? ये 7-8 आदमी काटा है, काट चुका है। आज आप लोग पकड़वा के उसको भेज दिए? पकड़वा दिए हम लोग। वन विभाग को सूचना वगैरह दिए थे आप लोग? सूचना दिए थे। क्या टीम आई? कोई आई नहीं। नहीं आया? नहीं। प्राइवेट टीम से आप लोग पकड़ा? प्राइवेट टीम से लोग आए, हम लोग बुलवाए थे। अच्छा जी, क्या नाम पड़ेगा? मनोज कुमार।